यह है लेसन टू एनसीईआरटी एमसीक्यू क्लास सिक्स पार्ट वन और यह है लेसन नंबर टू का पार्ट वन। ठीक है, तो एक ही पार्ट में हम एमसीक्यू डिस्कशन कर ले रहे हैं। तो लेसन नंबर वन में आठ था और यह लेसन नंबर टू में तकरीबन देखते हैं कितना एमसीक्यू आ रहा है, लगभग 10 होंगे। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खास संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले? तो देखिए, ज़्यादा मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, आप मैं समझता हूँ कि आप ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं और इसको पढ़ते ही आपको टिक लगाना है। ठीक है, मैं ज़्यादा कोई सोच विचार का टाइम नहीं दूंगा, मैं पढ़ूंगा और टिक लगाऊंगा। तो कहाँ पर से ज़्यादा हमको साक्ष्य नहीं मिले? निम्नलिखित में से पुरास्थल मतलब प्राचीन स्थल, तो मनुष्य के आखेटक मतलब कोई चीज़ उठा करके जो जमा करने संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले। तो कहाँ नहीं मिले? बेटकाप में तो मिले हैं, उसकी यहाँ पर मिले हैं कि नहीं मिले हैं, कुरनूल की गुफाएँ शायद यहाँ नहीं मिले होंगे, लेकिन मैं गलत टिक लगा दिया, चिरांद में नहीं मिले। ठीक है, मैं गलत लगा दिया, हो सकता है आप सही लगाए हों। तो दूसरा सवाल, निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा नौपाषाणिक पुरास्थल है? नौपाषाणिक मतलब आप समझ रहे होंगे, तो देखिए मेहरगढ़ है, बुर्ज होम है, महागढ़ा है, कोल्डीहवा और डाओजली हैंडिंग, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सब नौपाषाणिक पुरास्थल ही है। तो मैं लगाता हूँ डी पर, देखते हैं गलत है कि सही है, तो ये सही हो गया। तीसरा सवाल है, पुरापाषाण कालीन भाषपाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पत्थर की औजारों को बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता था और पत्थरों की औजारों का निर्माण प्रयोग के लिए की जाने वाली तकनीक को दबाव सेल यानी कि प्रेशर फ्रैकिंग कहा जाता था। तो बड़ा काफ़ी बेहतरीन सवाल देख सकते हो, मतलब ऐसे सवाल यूपीएससी भी पूछता है कि नहीं, तो ये लग रहा है कि दोनों सही है। ठीक है, तो मैं सही रहा। चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से राग के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिले हैं? तो राग के कहाँ से हमको मिला है? तो भीमबेटका की गुफाओं से तो नहीं मिला, कुरनूल की गुफाओं से तो नहीं मिला, कोल्डेहवा और हुस्की, ये दोनों में से कोई सही हो सकता है। तो मैं जाता हूँ हुस्की के ऊपर। ठीक है, लेकिन ना कोल्डेहवा था ना हुस्की था, सही जवाब कुरनूल गुफा था। ठीक है, तो हो सकता है आप सही लगाएं। पाँचवा सवाल है, मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मध्य पाषाण में जो जलवायु परिवर्तन से बदलाव आए, इस पर विचार करना है। तीन सवाल है, ऑप्शन है, बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई, घास के मैदान विकसित होने लगे, ये तो सही लग रहा है। दूसरा सवाल है, इस काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी, ये भी सही लग रहा है। गेहूं जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, ये भी सही है। तो मेरे हिसाब से तो ये तीनों सही लग रहा है, तो मैं टिक लगा देता हूँ तीनों पर। ठीक है, तो ये सही निकला। छठा है, मानव सभ्यता का आरंभिक काल यानी कि प्रागैतिहासिक काल, मतलब बहुत प्राचीन काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो संविधान अनुसार तीन भागों में बांटा गया है, तो निम्नलिखित में से कौन इसमें से नहीं आता है? तो पूरा पाषाण तो ठीक है, मध्य पाषाण भी ठीक है, नव पाषाण भी ठीक है, तो महापाषाण काल, ये तो बिल्कुल सिंपल सा जवाब है, महापाषाण काल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो प्राचीन चित्रकला के लिए जाना जाता है कौन सा, अमरावती है या भीमबेटका या बाकी गुफा या जनता है? तो मेरे हिसाब से भीमबेटका होना चाहिए, काफ़ी पुराना यहाँ पर तस्वीर मिला था, तो सही जवाब था। आठवां है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित पर विचार करने क्या करना है, पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, तो ऊपर में से किन किन कालों के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं? तो मेरे हिसाब से यह जवाब होना चाहिए, मुझे लग रहा है कि वो माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं, तो इनमें से कौन होना चाहिए? तो उपरोक्त किस काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं? तो मैं जाता हूँ मध्य पाषाण काल, मुझे लग रहा है। ठीक है, दो नंबर, तो ये रहा और ये सही जवाब रहा। ठीक है, नेक्स्ट है नौवां क्वेश्चन, हुस्गी के संदर्भ में, हुस्गी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है, तो हुस्गी से पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए, यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से पाए जाते, तो बलुआ पत्थर से तो नहीं, लेकिन एक नंबर का सही लग रहा है। ठीक है, सही जवाब था। भारत के शुतुरमुर्ग साक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित शुतुरमुर्ग के साक्ष्य कहाँ मिले? तो भारत के शुतुरमुर्ग होने के प्राचीनतम प्रमाण नौपाषाण युग से प्राप्त हुए, तो ये तो गलत है। आंध्र प्रदेश के पटने नापक पुरास्थन युसुरमुर्ग, तो ये अवशेष मिले, ये भी तो गलत लग रहा है। प्रागैतिहासिक काल, ये सही लग रहा है, तीन नंबर का, तो ये रहा सही जवाब। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। ओके।